मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा जय यीशु। प्यारे मित्रों, पिछले प्रवचनों में हमने प्रार्थनाओं के बारे में, पाप के बारे में सुना, और अब आज हम प्रभु के वचन से ये जानेंगे प्रभु के प्यार के बारे में कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, और कई लोगों का ये सवाल रहता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूँ। अपने आप को अकेला समझते हैं और निराश हो जाते हैं। कई बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और कई माँ बापों के अंदर ये सवाल पैदा होता है, ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अपने आप को अकेला समझते हैं, निराश करते हैं। एक वचन हम देखें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। यदि हम इसाइस का ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 15 देखें, पढ़ें, तब हमें पता चलेगा कि हमारे सवालों का जवाब प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिलेगा। आप प्रभु का वचन सुने और जाने कि प्रभु हमसे क्या कहता है। प्रभु हमसे ये कहता है, इसाइस का ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 15, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के छोटे से बच्चे पर तरस नहीं खाएगी? लेकिन प्रभु ये कहता है, यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार सोच के देखिए, आपकी छोटी सी संतान है जिसे आपने बड़े लाड़ प्यार से, बड़ी मेहनत से जन्म दिया है, क्या आप उसे छोड़ दोगे? क्या आप उस पर तरस नहीं खाओगे छोड़ने से पहले? लेकिन प्रभु हमसे ये कहता है कि एक इंसान ऐसा हो सकता है, आप ऐसे हो सकते हो कि आप उसे छोड़ दो, और ऐसा होता है। आज ना जाने कितने मासूम बच्चे सड़क के किनारे पड़े हुए मिलते हैं, उनको पैदा कर देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम के गेट में छोड़ के आ जाते हैं, वो तरस नहीं खाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। एक माँ छोड़ देगी और वो छोड़ देती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि वो छोड़ भी दे वो तरस ना खाए। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं अपने बच्चों को भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, हमारा ये सवाल रहता है, ये सोच रहती है कि कोई हमसे प्यार करे, और हम प्यार के लिए तरसते हैं, हम तड़पते हैं, और हमारे मन में ये सवाल उठता है, क्यों कोई हमें प्यार नहीं करता? हम कितनी भी भलाई करें, कितने भी अच्छे काम करें, लोग हमें भूल जाएंगे। मेरे प्यार भाइयों और बहनों, हम उनके साथ कितनी भी भलाई करें, उनके लिए कितने भी अच्छे काम करें, अपनी जान दे दें, लेकिन एक दिन इस संसार का मनुष्य, इस संसार के इंसान जिस पे आप उम्मीद रखते हैं, उससे प्यार की उम्मीद रखते हैं कि वो आपको याद रखे, जिनके साथ आपने भलाई की, वो आपको छोड़ देंगे, वचन कहता है। और हम प्यार को ढूंढते हैं, प्रेम को ढूंढते हैं, खोजते हैं, नहीं मिलता, तब हम ये सोचते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, मैं अकेला हूं, सब ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे सब ने आपको छोड़ दिया हो, सब ने आपको त्याग दिया हो, कोई आपसे प्यार ना करे, लेकिन एक है जिसे आपका ध्यान रहता है, एक है जिसकी दृष्टि आप पर बनी हुई है, एक है जो आप पर तरस खाता है, एक है जो आपका ध्यान रखता है, जिसे आपकी फिक्र है, आपके माँ आपके बाप को, आपके भाई आपकी बहन को, आपके पड़ोसी को जिसे आप अपना समझते हैं, आपके सगे संबंधी को जिसे आप अपना मानते हैं, वो आपको छोड़ देगा, उसे आपका ख्याल नहीं है। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि एक है जो आपका ख्याल रखता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप अकेला मत समझना अपने आप को, आप मत सोचना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यदि हम प्रभु का वचन देखें, प्रभु हमसे क्या कहता है,
प्रभु का वचन हमसे कहता है, इसाईस का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4, प्रभु का वचन हमसे कहता है, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और महत्व रखते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहन, आप इस वचन पर गौर करें। प्रभु कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। आप किसी की दृष्टि में मूल्यवान हो या ना हो, आप पर कोई तरस खाने वाला हो या ना हो, कोई आपका ध्यान रखने वाला हो या ना हो, सबने आपको छोड़ दिया हो, सबने आपको त्याग दिया हो, तुम्हारे अपनों ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है। आप अपने आप को बेकार ना समझें, हम प्रभु के सामने लायक हैं, प्रभु के सामने हम महत्व रखते हैं, वो हमें अपनी महत्व की दृष्टि से देखता है। ये मैं नहीं, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, ये मैं नहीं, बल्कि प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 15 में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, वहां पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों 13 वाक्य 15, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। ये प्रभु का वादा है मेरे प्यारे भाई। चाहे आपको सबने छोड़ दिया हो, आपके अपनों ने धोखा दिया हो, छोड़ दिया हो, लेकिन प्रभु का वादा है। इब्रानियों 13:15 में उसने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी नहीं त्यागूंगा। और प्रभु का इसाईस अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु का वचन, वहां पर भी प्रभु का वचन हमसे कहता है कि चाहे पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएं और डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमसे कहता है, इसाईस 54:10 में कहता है कि चाहे समस्त संसार पहाड़ और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, हिल जाएं, नष्ट हो जाएं, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं टलेगा। इतना प्यार हमसे प्रभु करता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहन, मेरे भाई, आप उस प्यार की खोज करते हैं जो संसार का है। आप संसार के लोगों के प्यार की खोज में लगे हैं। आप ये चाहते हैं कि संसार हमसे प्यार करें, संसार के लोग हमसे प्यार करते हैं, करें। आप उन पर आशा रखते हैं, आप उन पर भरोसा रखते हैं, बदले में आपको धोखा मिलता है और आप टूट जाते हैं। आप उस प्यार को ढूंढिए जो आपके लिए सदा तैयार है, प्यार करने के लिए, जिसने वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। आप उस प्यार को ढूंढिए। आप संसार के प्यार में मत जाइए, संसार के लोगों के प्यार में मत जाइए, वो आपको एक दिन धोखा देंगे, आपको रोना पड़ेगा और आप रोते हैं। जो उम्मीद इंसान से लगाते हैं, जो उम्मीद आप इस संसार के मनुष्य से लगाते हैं, जब आपको नहीं मिलती आप रोते हैं, आपको दर्द होता है, चोट पहुंचती है, लेकिन प्रभु है एक है जो आपको कभी चोट नहीं पहुंचाता। आप कितने ही पापी क्यों ना हो, आप कितने ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमेशा अपनी बाहें फैला करके आपको अपनी गोद में लेना चाहता है। वो आपका और मेरा इंतजार करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कब मेरे पास आएगा, कब मेरे पास लौटेगा, वो इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यदि हम विधि विवरण अध्याय 31 वाक्य 8 देखें, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, वे तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। और आगे कहता है, कितनी अच्छे वाक्य, कितना अच्छा शब्द प्रभु हमसे कहता है अपने वचन में। विधि विवरण अध्याय 31 वाक्य 8 में आगे प्रभु कहता है, भयभीत मत हो, मत डरो। हम भयभीत होते हैं, हम डरते हैं कि हम अकेले हैं, हम कैसे जिएंगे, हमारा क्या होगा, लोगों के द्वारा हम तिरस्कृत हैं, हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया है, हमारा मोहल्ले और गांव में, हमारे शहर में, हमारे अपने पड़ोसी हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं, अब हमारा क्या होगा, डर। लेकिन प्रभु कहता है, भयभीत मत हो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं नहीं, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, ये मैं नहीं, बल्कि आपको प्रभु का वचन कह रहा है विधि विवरण अध्याय 28:31 वाक्य 8 में कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो तुम्हें निराश नहीं करेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम मत डरो और भयभीत मत हो। हालेलुया। यदि हम देखें, बहुत सारे लोग प्रभु से सवाल करते हैं, शक करते हैं, प्रभु की हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है,
लोगों के मन में ये सवाल उठता है, प्रभु के वचन को सुनते हैं लेकिन फिर भी सवाल उठता है, लोगों के द्वारा सुनते हैं, वचन के माध्यम से सुनते हैं, प्रचारकों के माध्यम से सुनते हैं कि प्रभु प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि वाकई में क्या प्रभु मुझे प्यार करता है या नहीं करता। हम शक करते हैं। यदि हम मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1:2 पढ़ें, वहां पर प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया पर तुम मुझसे पूछते हो तूने हमसे कैसे प्रेम किया। प्रभु हमसे कहता है कि तुम मुझसे ये पूछते हो कि हमने कि तू हमसे प्यार करता है कि नहीं करता। ईश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मुझसे पूछते हो कि तूने हमसे कैसे प्यार किया। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, आप उस सूली पर गौर करें, उस क्रूस के नजारे को देखें, प्रभु के उस दर्द को देखें, उस क्रूस भरी यात्रा को देखें। वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने आपको कितना प्यार किया है, प्रभु आपको प्यार करता है कि नहीं। अगर वो आपको प्यार नहीं करता होता तो आपको छोड़ देता। वो आपके लिए और मेरे लिए उसने क्रूस की मृत्यु सही, उसने कोड़े सहे, उसने 6-6 इंच की कीले सही। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हमसे प्यार करता था और आज भी प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने वो दुख सहा। उसे कोई जरूरत नहीं थी कि वो दुख सहे, ईश्वर को कोई जरूरत नहीं थी कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजे, संसार में मनुष्य बन करके वो आया। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, सिर्फ तेरे और मेरे, आपके और मेरे प्यार के खातिर प्रभु इस संसार में आया और अपनी जान उसने दी और उसने अपने प्यार का प्रमाण हमें दिया कि देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। वो अपनी दोनों बाहें फैला करके हमसे कहता है, मेरे भाई आप संसार के प्यार के चक्कर में पड़े हैं, आप संसार के लोगों के प्यार के चक्कर में पड़े हैं, आपकी सोच यह है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, लेकिन आपका प्रभु जो उनसे महान है वो आपसे कितना प्यार करता है, उसने अपनी जान दे दी। क्या एक संसार का मनुष्य जिससे आप चाहते हैं वो आपके लिए जान दे सकता है? क्या वो आपके लिए जान देगा? कभी नहीं देगा। लेकिन एक प्रभु है जो आपका ख्याल रखता है, जिसे आपका ख्याल है, जो आपकी चिंता करता है, उसे आपकी चिंता थी इसलिए उसने जान दी। बार बार वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यदि यहोन का सुसमाचार अध्याय 3:16 देखे, वहां पर लिखा है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आप प्रभु ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया। सोचिए, एक है मेरे भाई, एक है मेरी बहन, तेरी और मेरी चिंता करता है, जिसे आपका ख्याल है, सब छोड़ देंगे लेकिन वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम उसकी उसकी रचना है। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ें कि प्रभु ने जब संसार को बनाया तो सिर्फ अपने शब्द मात्र से बोल करके बनाया, लेकिन जब उसने आपकी और मेरी रचना की, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं रचना की बल्कि अपने हाथों से, अपने इन हाथों से उसने, बड़े वचन कहता कि उसने हमें मिट्टी का एक पुतला बनाया और अपना श्वास, अपनी जान उसने हमारे अंदर डाली। सोच के देखिए, अपने हाथों से प्रभु ने हमें बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। अपने हाथों से उस मिट्टी को ले लेकर के बनाया और कितना चिकना किया होगा, कितना अच्छा आकार दिया। आज आप अपने चेहरे को देखिए, आज आप अपने शरीर को देखिए कि प्रभु ने किस तरह से आपके शरीर की रचना की, किस तरह से आपको जो है एक रूप दिया। क्यों दिया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो आपको प्यार करता था। यदि वो प्यार नहीं करता तो आपको इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा चेहरा, आपके अंग नहीं देता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103:11 प्रभु का वचन वहां पर हमसे कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम।
यानी कि आपके और मेरे प्रति प्रभु का प्रेम कितना महान है, जितना इस पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई है कोई नहीं नाप सकता। प्रभु के प्यार की कोई सीमा नहीं है, उसने अपनी जान देकर के प्यार की सारी हदें पार कर दी, उसने प्यार की सारी हदों को पार कर दिया अपनी जान देकर के। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरे प्यारे मित्रों, और आप सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, और आप ये सोचते हैं कि लोग मुझसे प्यार करें, मेरे अपने मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों उनकी परवाह करते हो। जब आपकी परवाह, आपका और मेरा प्रभु आपकी परवाह करता है मेरे प्यारे भाई, तो आप क्यों संसार की परवाह करते हैं, क्यों संसार के प्यार के लिए तड़पते हो, क्यों संसार के प्यार के लिए भटकते हो, क्यों संसार के प्यार के लिए रोते हो, क्यों लोगों से शिकायत करते हो। अरे जब आपको आपका प्रभु प्यार करता है तो क्या जरूरत है कि इंसान आपको प्यार करे। इंसान आपको प्यार करेगा तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। जब तक आपके पास खुशी है, जब तक आपके पास पैसा है, ऐश आराम है, साथ शायद देगा, साथ देगा, लेकिन जब आपके पास मुसीबत का समय होगा, जब आपके पास दुख की घड़ी होगी, आपको छोड़ के चला जाएगा। शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा मित्र, मेरे पड़ोसी जिसे आप इतनी चाहत रखते हो, वो ऐसा करेगा, लेकिन वो करेगा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु नहीं छोड़ता, प्रभु नहीं छोड़ेगा। उसने पापनी स्त्री को नहीं छोड़ा जो पाप में पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। गांव के लोगों ने उसे छोड़ दिया, पत्थरों से मारते मारते उसे गांव से निकाल रहे थे, उसे दंड दे रहे थे। अगर प्रभु छोड़ने वाला होता तो उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को नहीं बचाता। यदि प्रभु उससे प्यार नहीं करता तो प्रभु उसे नहीं बचाता, उसे दंड दिलवाता और खुद भी दंड देता। यह पहचान है उसके प्यार की। उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को बचाया, लोगों से बचाया, गांव के लोगों ने उसे त्यागा। यही अर्धांग रोगी के बारे में यदि हम पढ़ें यूहन्ना के सुसमाचार में, वहां पर लिखा हुआ है अध्याय 5 वाक्य 1 से 9 में लिखा हुआ है, 38 वर्ष से एक अर्धांग रोगी जो बैतसाइदा कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, 38 साल जिंदगी के इंसान के कम नहीं होते हैं। 38 साल से वो बीमार था और वचन में लिखा है कि बैतसाइदा कुंड के किनारे वो पड़ा था इस आस में, क्योंकि वहां पर उस कुंड में ईश्वर का दूत उतरता था और वो पानी को हिलाता था। और वचन कहता है कि जब प्रभु का दूत उतरता था और उस पानी को हिलाता था, उस पानी के हिलाते ही, उस कुंड के पानी का हिलते ही, जो सबसे पहले उसमें उतरता था वो भला चंगा हो जाता था। और एक दिन यीशु वहां से निकलते हैं और यीशु की दृष्टि उस अर्धांग रोगी पर जो 38 वर्ष से बीमार था उस पर पड़ी, और प्रभु उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। मेरे प्यारे भाई, वो 38 वर्ष से बीमार अर्धांग रोगी यीशु से एक बात कहता है कि महोदय मेरा कोई नहीं है। सोच के देखिए एक पल के लिए वो कहता है मेरा कोई नहीं है जो आकर के मुझे इस कुंड में उतार दे जिससे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। सोच के देखिए उसके परिवार वालों ने, जब वो अर्धांग बना होगा, जब उससे लकवा पड़ा होगा, बीमार होगा, तो उसके अपनों ने उसे छोड़ करके चले गए, किसी ने इंतजार नहीं किया, उसे मौका नहीं मिला अभी तक। शायद उसका कोई अपना उसके साथ होता तो उसे उतार देता, उसे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। वो यही एक बात कहता है कि मेरा कोई नहीं है, सबने उसे छोड़ दिया, सबने उसे ठुकरा दिया, उसके अपने उसे छोड़ के चले गए। वो कुंड के किनारे इंतजार करता है, लेकिन प्रभु जो कुंड के पानी को हिलाने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि जब प्रभु बादलों को आदेश देता है तभी वर्षा होती है। प्रभु का वचन कहता है जब वो पवन को आदेश देता है तभी हवाएं बहती हैं, उसके आदेश से सब कुछ होता है। जब कुंड को हिलाने वाला ही उस अर्धांग रोगी के पास चला आया स्वयं चल करके, अब उसे कुंड में कूदने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु उससे कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा और जा। हालेलुया। सोच के देखिए प्रभु का प्यार कितना अनोखा प्यार है। प्रभु ने उस अर्धांग रोगी से प्यार किया,
उसके अपनों ने प्यार नहीं किया, लेकिन प्रभु ने साबित करके दिखाया। हम सिर्फ अपने मुंह से कहते हैं हम प्यार करते हैं, लेकिन साबित नहीं करते, ना कर पाएंगे। लेकिन प्रभु ने जो कहा, जो अपने इतने वचनों में कहा, उसने साबित करके दिखाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, यही समारी स्त्री जिसके 5 पति थे, व्यभिचार में थी, पाप में गिरी हुई थी, प्रभु स्वयं उसे बचाने आ गया। उसका एक बहाना था कुएं पर आकर के उससे पानी मांगना। वो तो इसलिए आया था कि उसको प्यार करता था, उसे बचाना चाहता था, उसे पाप से निकालना चाहता था कि इस मेरी इस बेटी का सर्वनाश ना हो, ये मेरी बेटी पाप में ना गिरी रहे, इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आज प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चाहता है। वो हमसे प्यार करता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। वो बर्बाद नहीं होने देगा। हमें डर रहता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, हमारा क्या होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मुझे तेरा ध्यान है, मेरी दृष्टि तुझ पर लगी हुई है, तू मेरी आंखों के सामने है। यदि हम प्रभु की आंखों के सामने नहीं होते तो हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि एक बार के लिए, एक पल के लिए, कुछ समय के लिए, मात्र एक मिनट के लिए प्रभु की दृष्टि हमसे हट जाए, क्या आप जीवित रह पाओगे? क्या आप और मैं जीवित हो सकते हैं? कभी नहीं। प्रभु की दृष्टि सदा हम पर बनी रहती है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, जो आप ये सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, सवाल आपको जवाब मिला होगा। आप ये सोचती होंगी कि मेरे अपने मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ना करें, मत चिंता करो, मत भागो। आप उसके पीछे भागो जो आपका संकट में साथ देगा। आप उसके पीछे भागो, आप उसके प्यार के लिए तड़पो, आप उसके प्यार के लिए ललाहित रहो जो हमेशा आपका साथ देगा, दुख में, सुख में, हर समय जो आपको नहीं छोड़ेगा। आप उस प्यार के पीछे मत जाओ, आपको जवाब मिल गया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम उस प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें, उस प्यार के लिए तरसें, उस पर भरोसा रखें। वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप ना सोचें संसार के बारे में, बल्कि उसके बारे में सोचें जिसे आपका ख्याल है। संसार को आपका ख्याल नहीं है, इंसान को आपका ख्याल नहीं है, उसे आपका ख्याल है। उस प्रभु को आपका ख्याल है, उस प्रभु को आप खोजें, उस प्रभु के प्यार को आप ढूंढें, उस प्यार के लिए आप तरसें। आपका उद्धार होगा, आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी। और यदि आप संसार के पीछे भागोगे, आपको दुख, धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आइए प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, एक पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और उस प्रभु से कहें, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आज मैंने ये जाना कि तू मुझे कितना प्यार करता है। मैं अब तक तुझसे अनजान था तेरे प्यार से। मुझे नहीं पता था कि प्रभु कि कोई है जो मुझे इतना प्यार करता है। आज तक प्रभु मुझे नहीं पता था, लेकिन आज प्रभु मैंने ये जाना है कि तू मुझे इतना प्यार करता है। कोई है जिससे मेरी परवाह है? प्रभु, प्रभु मैं आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। और प्रभु मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आपसे ये कृपा मांगता हूँ, आप मुझे वो कृपा और शक्ति दीजिए कि मैं आपके प्यार को अपने जीवन में महसूस करूँ, आपका प्यार मुझ में बना रहे और आपके प्यार के लिए मैं तरसूँ, मैं संसार की ओर ना जाऊँ। प्रभु, संसार के लोगों में, मनुष्य में आपका प्यार ना ढूंढूँ, बल्कि प्रभु मैं आप में प्यार ढूंढूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसी कृपा दीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु अब्बा, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं धन्यवाद के साथ, यीशु के नाम पर, आमीन।